जनवरी 13, 2018 को किया गया नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल, एक 27 साला नौजवान जो पश्तूनों के अब्दुलाई महसूद कबीले से ताल्लुक रखता था, जिसे 3 दीगर अफराद के साथ जाली तसदम में गोली मार दी गई थी, इस बात का सबूत देता है कि पाकिस्तान में पश्तूनों की जिंदगी जद्दोजहद से भरी रही है। इसे कभी भी मावराय अदालत कत्ल नहीं बल्कि दहशतगर्दी तसदम करार दिया गया। नकीबुल्लाह महसूद जो वजीरिस्तान का था, असल में एसएसपी मनीर राव अनवर के जरिए एक तसदम में मारा गया था। यह दरअसल एक तरफा गोलीबारी थी जिसमें पुलिस अहलकारों ने मकतूल अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया और बाद में कत्ल को छुपाया। महसूद का कत्ल, जिसे कराची पुलिस ने दहशतगर्दों के ठिकाने का एक हिस्सा बताया, ने बाद में नुमाया किया कि उस ख्वाहिशमंद शख्स की दहशतगर्दी या मुजरिमाना सरगर्मी की कोई माजी नहीं है। महसूद कभी भी अपनी जिंदगी से यह नहीं चाहता था। वो एक ख्वाहिशमंद मिसल था जो रूप की दुनिया में नाम कमाना चाहता था, लेकिन जैसा कि दुनिया ने पाकिस्तान के आगाज से मुशाहिदा किया है, यह आपके ख्वाबों को पूरा करने की जगह नहीं है। हकीकत में यह आपके ख्वाब देखने तक की जगह भी नहीं है, खास तौर पर जब आप दीगर अकलियत से ताल्लुक रखते हों। पाकिस्तानी फौज के जरिए गद्दार करार दिए जाने वाले पश्तून आज भी अपने हकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं और उन्होंने इंसानी हकूक के कारकन मंजूर अहमद पश्तीन की सरबराही में पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट शुरू किया है। पश्तून मसावी हकूक का मुतालबा करते रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के जुल्म और बर्बरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दुनिया भर में एहतिजाज किया है। पाकिस्तान फौज और हुकूमत के जरिए पश्तूनों और दीगर अकलियतों की खुफिया मुन्नज़िम नस्ली सफाई के नतीजे तबाह किन वाक़यात होंगे, हैरत इस बात की है कि दुनिया कब तक मुंह फेर कर रोज अफराद को हलाक होते देखती रहेगी।